दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में लेमिटोर ओडी 50 mg टेबलेट के बारे में कि यह कौन सी प्रॉब्लम में काम आती है, कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसको यूज करने के बाद, क्या इसकी डोज होती है, क्या इसकी सावधानियां हैं और क्या इसकी आदत पड़ती है या नहीं पड़ती। इन सभी बातों के बारे में रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों लेमिटोर ओडी 50 mg टेबलेट का जो मैन्युफैक्चर है यानी इसे जो बनाती है वो है टोरेंट फार्मा कंपनी। दोस्तों इसकी बात करें कि कब काम में आती है, तो देखिए इसके अंदर जो कंटेंट डाला गया है वो है लेमिट्रिगिन ओडी सस्टेन रिलीज, यानी सस्टेन रिलीज के अंदर आती है 50 mg के अंदर। दोस्तों ये शेड्यूल एच के अंदर आता है, डॉक्टर ही इसे प्रिस्क्राइब करता है, डॉक्टर की सलाह से ये लेनी चाहिए, सेल्फ यूज का मत कीजिएगा। तो ये दो प्रॉब्लम में काम आ सकती है, जैसे कि पहली है एपिलेप्सी की प्रॉब्लम, मतलब अगर दौरे आ रहे हैं, मिर्गी आ रही है, उसको ठीक करने के लिए, उससे बचने के लिए, उससे बचाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। और एक और है बाइपोलर डिसऑर्डर, दोस्तों बाइपोलर डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है कि मूड कंसंट्रेट नहीं रह पाता, फोकस नहीं रह पाता, बार बार में बदलता रहता है, तो फोकस लाने के लिए इस टेबलेट का यूज कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। कैसे काम करती है, देखिए ये कुछ केमिकल मैसेंजर के लेवल को बढ़ाती है, जिन केमिकल मैसेंजर से मूड बेहतर बनता है, एनर्जेटिक रहता है, तो उनको बढ़ाकर ये काम करती है। और साथ साथ ये कुछ मतलब के दिमाग की जो मसल्स होती है उनको ये रिलैक्स करती है, जिससे कि तनाव कम हो सके, इस तरीके से काम करती है। डोज की बात करें तो इसकी डिपेंड होती है पेशेंट के ऊपर कि उसकी क्या प्रॉब्लम है और वो उनके साथ और क्या मेडिसिन ले रहा है, क्या उसकी एज है, क्या उसका वेट है, तो उसके हिसाब से इसकी डोज निर्धारित की जाती है। वैसे इसकी एक टेबलेट सुबह भी, शाम भी या दिन में एक भी ले सकते हैं। बात करते हैं इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो देखिए साइड इफेक्ट तो हो सकते हैं क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर आती है, जैसे कि लाइट सदर रह सकता है, वोमिटिंग भी हो सकती है यूज़ करने के बाद, या लूज मोशन लग सकते हैं, मुंह सूख सकता है, ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, चक्कर भी आ सकते हैं दोस्तों इसको लेने के बाद, लेकिन कभी कभार देख जाते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। सावधानी के बारे में बात करें तो सावधानी ये है, अगर कोई महिला प्रेगनेंसी में है, ब्रेस्ट फीडिंग में है, अगर वो यूज़ करना चाहती है तो डॉक्टर की सलाह से यूज़ कीजिएगा, बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर एल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो उस टाइम इसकी डोज मत लीजिएगा, नुकसान हो सकती है, एल्कोहल के साथ रिएक्शन करती है। गाड़ी चलाते समय भी दोस्तों इसकी डोज नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इससे कुछ सेकंड की, कुछ मिनट की नींद आ सकती है। तो ये था फुल रिव्यू लेमिटोर ओडी 50 mg टेबलेट के बारे में। कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा और कौन सी मेडिसिन भी आप वीडियो देखना चाहते हैं। वीडियो प्रोजेक्ट लिए बहुत